पिछले क्लास में हम लोगों ने अकाउंटेंसी के जो अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन जो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इसको समझा था ऐसा अलग अलग करके कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है एंड कैपिटल क्या है, तीनों का डेफिनेशन विद एग्जाम्पल इसका मीनिंग को हमने अंडरस्टैंड किया था उस क्लास में। आज के क्लास में जो अलग अलग ट्रांजेक्शन होता है, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस में हर तरह का कुछ भी लेन देन का जो जो भी घटना होता है, इवेंट होता है, दैट इज ट्रांजेक्शन, ठीक है। जैसे सामान को परचेज किया, ये एक ट्रांजेक्शन है। उसके बाद किसी सैलरी दिया, ये एक ट्रांजेक्शन है। गुड्स को सेल किया, ये एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक शॉप है, उस शॉप में उन्होंने शॉप ओनर ने क्या किया, कहीं से अपना सब सेल के लिए उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा या सप्लाई के लिए उन्होंने सामान खरीदा, तो ये उनका एक ट्रांजेक्शन हो गया। किसी एक ग्राहक कस्टमर को उन्होंने कुछ सामान बेचा तो वो एक ट्रांजेक्शन हो गया। उसने अपने दुकान में अगर किसी लड़के को रखा है तो लड़के को सैलरी दिया तो ये एक ट्रांजेक्शन है। ऐसे बहुत तरह का ट्रांजेक्शन, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन जो है किसी एक बिजनेस एंटिटी में होता है। और हर एक ट्रांजेक्शन के होने की वजह से जो है ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था मैंने, क्या था अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसमें चेंजेस होता रहता है। कुछ भी हर एक ट्रांजेक्शन हो ये इक्वेशन चेंज होगा, लेकिन जो भी इक्वेशन होगा दोनों साइड का जो वैल्यू होगा वो एवरी इक्वेशन में सेम रहेगा। तो वही कुछ एग्जांपल लेके हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे इसका चेंजेस होता है, ठीक है। तो जैसे ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, जो रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000 एज कैपिटल। तो रोहित ने यहाँ पे क्या किया, रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया कितना रुपये से, 75,000 एज कैपिटल। तो इनिशियली बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन के वजह से जो हमारा इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसमें क्या असर होता है। एक एक करके ट्रांजैक्शन लूंगा और मैं समझाऊँ। तो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं एसेट्स, ठीक है, तुम लोग भी साइड बाय साइड ये कॉपी में लिखते रहो। ये एसेट्स इधर लिखना है एंड इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एसेट में इतना बड़ा जगह क्यों छोड़ा मैंने, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। सर ने एसेट्स को इतना बड़ा में रखा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दो जन को इतना छोटे में रखा, तो इसका रीजन है अभी पता लग जाएगा। तो एसेट्स जब ये रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ ₹75,000, ये 75,000 एक्चुअली क्या है, ये 75,000 है कैश अमाउंट। तो ये कैश क्या होता है, कैश होता है एसेट्स, ठीक है। तो देखो 75,000 उसने कैपिटल लगाया और ये 75,000 ऑटोमेटिक एसेट्स भी बन गया। और किस तरह का एसेट्स बना है, ये कैश। तो एसेट्स के नीचे हम लिखेंगे कैश, ठीक है। कैश कितना आया, कैश आया 75,000। और यही सेम चीज़ क्या है, कैपिटल भी है। तो 75,000 यहाँ पे आएगा इक्वल टू लाइबिलिटीज, कुछ इसमें बना नहीं लेकिन इसमें क्या बना है, इसमें कैपिटल बना है। तो देखो पहला जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें हमारा एसेट्स इज इक्वल टू किस तरह से लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गया। एसेट्स का वैल्यू 75,000 एंड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का वैल्यू, लाइबिलिटीज इसमें कुछ आया नहीं है बट कैपिटल आया है, तो 0 प्लस 75 75,000, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। अभी इसमें कैपिटल बोला है एंड कैपिटल को हमने कैसे एसेट मान लिया, क्योंकि 75,000 जो लेके आएगा अमाउंट वो बिजनेस में लगाएगा, वो पैसा तो क्या होगा, वो बिजनेस को चलाने के लिए हेल्प करेगा, वो बिजनेस का वैल्यूएबल रिसोर्स होगा, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, एसेट भी होगा। 75,000 एसेट एंड 75,000 लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये फर्स्ट इक्वेशन के बाद हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सर तो फिर लाइब्रेरीज को 0 क्यों हुआ, कैपिटल को ही क्यों हुआ वो 75 लिखा? क्योंकि 75,000 उसने एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया, और लाइबिलिटीज का क्या मीनिंग बताया था मैंने, लाइबिलिटीज का मीनिंग होता है कि कुछ भी पेमेंट जो हमको आउटसाइडर को देना है। तो इस ट्रांजैक्शन के कोई ऐसा पता चल रहा है कि किसी को आउटसाइडर को कुछ पेमेंट करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे बस ये बताया हुआ कि बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे हमको आउटसाइडर को कुछ पेमेंट करना पड़े। ये पैसा अभी तक भी रोहित के पास ही है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया एज ए कैपिटल, बट ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये पैसा अभी तक भी उसके पास है। ये जस्ट एक ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। ठीक ओके नाउ एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं। देखो बिजनेस में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन नहीं होता, बहुत तरह का ट्रांजेक्शन होता है। ये एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इनिशियली पैसा लगा दिया और उसके बाद बिजनेस खत्म, ऐसा नहीं है। बिजनेस चलाने के लिए और भी बहुत तरीके का ट्रांजेक्शन होता है।
तो मान लो एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं हम लोग, ठीक है। रोहित परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000, 75,000 घर से उसको दे दिया, ले बेटा बिजनेस कर। तो 75,000 का एसेट हो गया एंड 75,000 का कैपिटल भी हो गया। नाउ उसने क्या किया, उसने 75,000 में से 5,000 का कैश से उसने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। अब घर पे जब फर्नीचर खरीदते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो फर्नीचर हमारे लिए क्या होता है, एसेट ही तो होता है। तो उसी तरह से दुकान में अगर फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर क्या है, वो फर्नीचर एसेट है। यानी कि हमारा एसेट्स के कैटेगरी में एक और एसेट आ गया जो कि क्या है, फर्नीचर है, ये फर्नीचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पहला इक्वेशन का, पहला वाला ट्रांजेक्शन का इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि ये ओल्ड इक्वेशन हो गया, ये हमारा क्या है, ओल्ड इक्वेशन। नाउ इसमें जो ट्रांजेक्शन नंबर 2 हो रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना तो समझ में आ जाएगा। ये इसके पास 75,000 का कैश आ गया था, क्या, क्योंकि इसने 75,000 कैपिटल लगाया था बिजनेस में। अब इस 75,000 में से ये क्या कर रहा है, 75,000 में से 5,000 का ये फर्नीचर खरीद रहा है। दैट मीन्स इसके पास फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा इसके पास, जिसका वैल्यू 5,000 है, लेकिन कैश तो चला जाएगा ना 5,000 का। जैसे मेरे पास 75,000 रुपीज़ है और मैंने उसमें से 5,000 का कुछ खरीद लिया, तो मेरे पास वो सामान आ जाएगा जो भी मैंने खरीदा, लेकिन वो कैश चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कैश में से क्या होगा, कैश में से इसका 5,000 रुपीज़ कम हो जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगा। इसको हम लोग जो माइनस करने वाला आइटम होगा उसको इस तरह से ब्रैकेट में दिखाएंगे। तो 5,000 ये सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन के वजह से क्या हो रहा है, इसका कैश रिड्यूस हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसका फर्नीचर के नाम का एक एसेट जुड़ जा रहा है। एसेट में एक और एसेट आ गया जो है फर्नीचर, ठीक है। अभी फिर इसमें से जो नए और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें से कुछ भी यूज नहीं हुआ, जो भी यूज हुआ कैश यूज हुआ, उसके बदले फर्नीचर आ गया। अब इक्वेशन को देखो, नया इक्वेशन क्या बनता है, न्यू इक्वेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा NE, आप लोग लिखो न्यू इक्वेशन। तो नया इक्वेशन क्या बन रहा है, 75,000 में से 5,000 चला गया, तो कितना बच रहा है यहाँ पे, कैश में बच रहा है 70,000 और फर्नीचर 5,000 का आ गया, तो फर्नीचर में 5,000 इज इक्वल टू ये 0 प्लस 0 0, और ये 75,000 प्लस 0, ये कितना होगा, 75,000 है। तो न्यू इक्वेशन जो बना ये भी देखो, हाँ भाई, ओके ओके, ट्राई करते करो, ट्राई करते रहो और सुनते रहो, ठीक है। वीडियो ओके, तुम्हें लाइन में बसा है था, मतलब यहाँ आए बनी मैं एक्सेप्ट कर दीजिए, अच्छा ओके। 70 प्लस 5, देखो ये न्यू इक्वेशन का वैल्यू भी 75,000 हो रहा है, इधर भी 75,000 है। तो स्टिल जो हमारा इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये अभी भी सेटिस्फाइड है। और भी ट्रांजेक्शन देखते हैं, ठीक है, जितना भी ट्रांजेक्शन हो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। अभी और भी ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग कि और ट्रांजेक्शन की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है। नंबर थ्री जो इक्वेशन है, इसमें बोला है रोहित परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। अब दुकानदारी या फिर बिजनेस करने के लिए गुड्स भी खरीदना पड़ेगा, है ना। तो रोहित ने क्या, गुड्स मतलब क्या होता है यहाँ पे, रॉ मटेरियल या फिर जो भी सामान बेचने के लिए खरीदेंगे या फिर मैन्युफैक्चर करने खरीदेंगे, तो वो हो जाएगा गुड्स के कैटेगरी में, ठीक है। तो रोहित ने यहाँ पे क्या परचेज किया, रोहित ने परचेज किया गुड्स, ठीक है, एंड कितने का खरीदा उसने, 20,000। तो सेम इसके जैसे ही हो गया, तो गुड्स नाम का एसेट आ जाएगा इसके पास, तो यहाँ पर एक एसेट आ जाएगा गुड्स, ठीक है। गुड्स उसने कितने का खरीदा, गुड्स उसने खरीदा है ट्रांजेक्शन नंबर 3 में 20,000 का गुड्स फॉर कैश खरीदा है ना, ये लिखा है फॉर कैश, यानी कि कैश में से 20,000 तो माइनस हो जाएगा। फर्नीचर में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्नीचर में 0, गुड्स में इसका ऐड हो जाएगा 20,000, क्योंकि इसने 20,000 का गुड्स खरीदा है, ठीक है। लाइबिलिटीज एंड कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी 0, ये भी 0। अभी फिर से जो नया इक्वेशन बनेगा, देखो उसका वैल्यू सेम होता है कि नहीं है। न्यू इक्वेशन 70,000 में से, ये ब्रैकेट में है मतलब माइनस हो रहा है, 70,000 में से 20,000 माइनस करो, कितना आएगा, 50,000 आएगा, प्लस ये वाला हमारा न्यू इक्वेशन था, अब इसके साथ ऐड कर रहे हैं ना, सबको ऐड नहीं कर देंगे, इसके साथ ये वाला, तो 5,000 प्लस 0, 5,000 प्लस 20,000,
इज इक्वल टू, ये जीरो प्लस जीरो जीरो रह रहा है, प्लस 75,000 प्लस जीरो, तो नया इक्वेशन का वैल्यू अगर देखेंगे हम लोग तो देखो 50 प्लस 5 55 प्लस 20 75, और इस साइड भी देखो 0 प्लस 75 75,000। तो ये वाला ट्रांजेक्शन के वजह से भी जो हमारा इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन वो सेम रहा, ठीक है। देखते हैं और एक लेके, रोहित परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट ₹60,000। नाउ ये एक नया तरह का ट्रांजेक्शन आया कि दोबारा रोहित ने सामान खरीदा, लेकिन इस बार रोहित ने क्या किया, इस बार रोहित ने सर हाँ ये वाला एक बार फिर से समझाइए ना, नंबर वो गुड्स का, गुड्स से नंबर गुड थ्री। गुड्स परचेस किया। हाँ ओके, तो नंबर थ्री का मैं फिर से बता रहा हूँ, नंबर थ्री में क्या क्या, रोहित ने गुड्स परचेज किया। गुड्स मतलब सामान बोल सकते हो, रॉ मटेरियल बोल सकते हो, बिजनेस में जो भी सामान जरूरत होता है, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी सामान जरूरत होता है वो उसने खरीदा है, और उसने 20,000 में खरीदा है। तो बहुत सिंपल बात है, अगर आपके पास 50,000 रुपये है और आपने उसमें से 20,000 का अपने लिए शॉपिंग कर लिया, तो क्या होगा, 20,000 रुपया आपका चला जाएगा, दैट्स वाई इसमें 20,000 माइनस कर रहे हैं, और 20,000 का आपके पास कुछ सामान आ जाएगा। अगर आपने शॉपिंग कपड़े का किया है तो आपके पास कपड़ा आ जाएगा, तो क्या होगा, इक्वल वैल्यू आपका माइनस हो जाएगा, आपका कैश में से चला जाएगा और उतना का ही कपड़ा आपके पास आ जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ है, रोहित ने क्या किया, गुड्स परचेज किया, तो गुड्स उसके पास आ गया, इसलिए यहाँ पर एक एसेट हमारा ऐड हो गया गुड्स, ठीक है। और कितने का, उसने कैश में खरीदा है 20,000 का, तो 20,000 इसलिए इसमें माइनस कर दिया और 20,000 इसमें ऐड कर दिया, किसमें, गुड्स में, क्योंकि ये 20,000 यहाँ माइनस होकर गुड्स खरीद लिया था उसने। अभी पहले, इससे पहले ये वाला ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन नंबर थ्री होने से पहले जो इक्वेशन था वो क्या था, वो ये था 70 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 75, है ना। अभी इसी के साथ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का हम लोग को जो भी ऐड माइनस करना है वो करेंगे, तो 70 से हम 20 माइनस करेंगे तो बच रहा है 50,000, 5,000 प्लस 0, इधर भी 5,000, 20,000, और यहाँ पे 0, 0 प्लस 0, 0 रह जाएगा, 75,000 प्लस 0, 75,000। तो नया जो इक्वेशन बना इसको अगर हम लोग देखते हैं तो 50 प्लस 5 55 प्लस 20 75,000 इज इक्वल, मतलब एसेट साइड में 75,000 हुआ इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड में भी 75,000, ठीक है। सर नंबर फोर में आपने क्या बोला, नहीं नहीं फोर में नहीं, मतलब ये 50,000 कैश था ना उसके पास, हाँ, और उसके अभी साथ 20,000 का सामान गुड्स खरीदने के बाद 50,000 कैश रह गया उसके पास। और सर ये फर्नीचर में आपने 5,000 क्यों दिया, क्योंकि उसने फर्नीचर खरीदा था ना 5,000, वो तो है उसके पास अभी। 5,000 प्लस 0 कितना होगा, 5,000 होगा। तो सर इधर इक्वेशन में आपने 0 क्यों दिया, तो इधर में भी तो 5,000 उसके पास पहले से था ना। कौन सा इक्वेशन में, ये जो आपने 3 इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नहीं, मतलब ये 3 नंबर जो पार्ट है 20,000 थर्ड नंबर है ना, 70,000, ये थर्ड नंबर का जो है ये ट्रांजैक्शन है। थर्ड नंबर के ट्रांजैक्शन में क्या है, थर्ड नंबर के ट्रांजैक्शन में तो फर्नीचर का कोई बात ही नहीं है, फर्नीचर खरीदा क्या उसने, पर सर उसका उसने जो चीज खरीदा होगा वही चीज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन में, और न्यू इक्वेशन में चेंज करोगे ना। हाँ, न्यू इक्वेशन में हम लोग फिर वैल्यूज चेंज करेंगे, ये अल्टीमेट वैल्यूज है कि हमारे पास कितना का रह गया और कितना का आ गया, इस तरह का ये न्यू इक्वेशन का वैल्यू। देखो पहले से फर्नीचर 5,000 था, जो ट्रांजेक्शन नंबर थ्री में ना फर्नीचर परचेस किया गया ना फर्नीचर बेचा गया, इसीलिए इसका वैल्यू यहाँ पर ट्रांजेक्शन का जीरो ही रह गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली 5,000 प्लस जीरो, अभी भी ये क्या बता रहा है, ये जो लास्ट लाइन बता रहा है ये, अब ये बता रहा है कि हमारे पास अभी 50,000 कैश बचा है, 5,000 का फर्नीचर बचा है, 20,000 का गुड्स बचा है, हमारे पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, हमारे पास 75,000 कैपिटल है। ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली ये बता रहा है ना, वही चीज़ तो हो रहा है। तुमने फर्नीचर खरीद लिया था पहले, तो फर्नीचर तो रहेगा ना तुम्हारे पास, एक गुड्स खरीदने से फर्नीचर तो नहीं तोड़ दोगे, गुड्स खरीद लिया फर्नीचर का जरूरत नहीं उसको तोड़ दो, ऐसा तो नहीं है ना। तो फर्नीचर तो रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो सेवन जो पहला इक्वेशन था 70,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 75,000, इसमें से नेट चेंज क्या हो रहा है वो हमको न्यू इक्वेशन में दिखाना है। 70,000 कैश था, उसमें से 20,000 का सामान गुड्स खरीद लिया इसलिए माइनस कर दिया, ये 50,000 हो गया। नाउ 5,000 प्लस 0, ये 5,000 हो जाएगा। फिर गुड्स खरीदा था ना हमने 20,000 में, इसलिए ट्रांजेक्शन थ्री में गुड्स ऐड हो गया 20,000 का। तो नया इक्वेशन जो बनेगा उसमें ये वैल्यूज आएगा, नया वैल्यू, ठीक है। ठीक है सर।
ओके थैंक यू। नाउ नंबर फोर में देखो, रोहित परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, क्रेडिट ये दोनों चीज़ में डिफरेंस है। यहाँ पे बोला था कैश एंड यहाँ पे बोला था क्रेडिट, ठीक है। तो कैश मतलब डायरेक्टली पैसा दे दिया, क्रेडिट मतलब पेमेंट नहीं दिया, नो पेमेंट, ठीक है, बाद में पेमेंट करेंगे, पेमेंट नॉट डन, ये पेमेंट बाद में करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, मैंने बताया था सही है, दो लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बनेगा, वेरी गुड, ये लाइबिलिटीज बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन को अच्छे से एनालिसिस करना होगा, सिर्फ लाइबिलिटीज नहीं बढ़ेगा और भी कुछ चीज़ में बढ़ेगा। रोहित ने क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया, रोहित ने गुड्स परचेज किया। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रांजेक्शन नंबर फोर को, तो गुड्स अगर उसने परचेज किया तो गुड्स इंक्रीज होगा, दैट मीन्स गुड्स में पहले से 20,000 था, अभी ट्रांजेक्शन नंबर फोर में रोहित ने 16,000 का और गुड्स खरीदा है, लेकिन उसने इसके लिए कैश नहीं दिया, तो कैश में इसलिए कुछ ऐड भी नहीं होगा, कुछ माइनस भी नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। फर्नीचर में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो रहेगा। लेकिन क्या बढ़ रहा है इससे, लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, ठीक है, क्या बढ़ रहा है, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे लाइबिलिटी में एक टर्म आ जाएगा, क्रेडिटर्स, बाद में पेमेंट करना है, जिससे हम लोग जिससे सामान का सप्लाई लिया जाता है और उसको बाद में पेमेंट करते हैं, तो वो उनको वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज का एक टाइप है ये। तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होगा अभी 16,000, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 16,000, और कैपिटल में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे रोहित ने गुड्स परचेज किया, गुड्स को अगर परचेज किया तो ऑब्वियसली गुड्स उसका इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि मान लो तुमने दुकान में जाके जो है कॉपी खरीद के लेके आया, पैसा नहीं दिए, तो कॉपी तो आया ना तुम्हारे पास, तो तुम तो लिखोगे हमारे पास कॉपी कॉपी आ गया है, तो उस तरह से गुड्स आ गया इसके पास, इसलिए गुड्स में ऐड कर दे रहे 16,000, लेकिन इसने कैश का कोई पेमेंट नहीं किया, तो इसीलिए जैसे इसमें हमने कैश माइनस किया, इसमें हमने कैश माइनस किया, इसमें कुछ माइनस नहीं होगा ना ही कुछ ऐड होगा, ठीक है, तो ये जीरो हो गया। फर्नीचर पहले से 5,000 खरीद के रखे हैं, इस बार भी फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसमें जीरो हो गया, लेकिन इस बार हमारे लाइबिलिटीज में चेंज हुआ है, क्रेडिटर्स बढ़ा है, कितने का, जितने का हमने गुड्स खरीदा क्रेडिट में, उतने का क्रेडिटर्स बढ़ा है। नाउ दोबारा से नया इक्वेशन बनाएंगे और देखेंगे कि नया इक्वेशन जो है फिर से सेटिस्फाई करता है कि नहीं, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल को। तो कैश कितना रह जाएगा इसमें, कैश रह जाएगा 50,000 प्लस जीरो, इसका वैल्यू होगा 50,000 प्लस 5,000 प्लस जीरो, इसका वैल्यू होगा 5,000 प्लस 20,000 का गुड्स था पहले, फिर 16,000 का खरीदा, ये हो गया 36,000 इज इक्वल टू, ये 0 प्लस 16,000 कितना होगा, 16,000 प्लस 75,000। तो अभी चेक करते हैं इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है, थोड़ा बहुत लाइबिलिटीज का वैल्यू में भी चेंज आया, तो कॉपी में ऐड करके देखो, ये 50 प्लस 5 55,000 हो रहा है, ठीक है, प्लस 36,000, 55,000 प्लस ये 36,000 कितना हो रहा है इसका वैल्यू, 6 प्लस 5 11, कैरी ओवर 1 5 6 7 8 9, 91,000 हो रहा है हमारा एसेट साइड का। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल करके देखते हैं, 75,000 प्लस 16,000, 75,000 प्लस 16,000, 6 प्लस 5 11, कैरी ओवर 1 7 8 9, देखो 91,000 91,000, इस वाले ट्रांजेक्शन के बाद भी जो इक्वेशन है वो हमारा सेम रह रहा है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक और ट्रांजैक्शन का देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग का कुछ और भी इन्वॉल्व रहे, ठीक है, जैसे कि पेड 1,000 फॉर रेंट, हो सकता है कि जहाँ पर बिजनेस कर रहे हो उसको रेंट पे लिया है, तो रेंट देना पड़ेगा। अभी 1,000 रेंट दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगा भी सकते हो कि 1,000 अगर रेंट दे रहे हैं तो हमारा क्या घटेगा, हमारा पैसा घटेगा, है ना, कैश घटेगा। 1,000 अगर रेंट दे रहे हैं तो हमारा क्या घटेगा, हमारा कैश घटेगा। तो यानी कि ये 1,000 हमारा किस में से, जो ट्रांजैक्शन नंबर 5 है, 1,000 किस में से रिड्यूस होगा, कैश में से। नाउ रेंट दे रहे हैं, रेंट तो कोई एसेट नहीं है, रेंट दे रहे हैं मतलब सीधे सीधे हमारा पैसा कम हो जा रहा है, तो ये कहाँ से रिड्यूस होगा, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं होगा, गुड्स में कोई चेंज नहीं होगा, ये सीधे सीधे हमारा कहाँ से चेंजेस आएगा, लाइबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कैपिटल में होगा हमारा 1,000 रुपीज़ कम, क्योंकि ये पैसा हमारा चला जा रहा है और इसके बदले में कोई सामान भी नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो पैसा चला गया था लेकिन इसके बदले में एक सामान तो आया था, यहाँ पर भी पैसा चला गया था लेकिन इसके बदले में गुड्स तो आया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा चला ही जा रहा है
और कुछ सामान इसके बदले में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कैपिटल से ये रिड्यूस हो जाएगा, 1000 कैश में से चला गया और 1000 कैपिटल में से चला गया। अब इसका नया इक्वेशन बना के देखेंगे कि नया इक्वेशन में टैली हो रहा है कि नहीं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 50,000 में से 1000 चला गया, ये तो कोई बच्चा बच्चा बता देगा कि 49,000 बच रहा है। प्लस 5,000 प्लस 0, फर्नीचर का हमारा अल्टीमेट वैल्यू 5,000 रहा। गुड्स हमारे पास कितना रहा, 36,000 का गुड्स रहा। इस इक्वल टू लाइबिलिटीज हमारे पास कितने वैल्यू का रहा, 16,000 प्लस 75,000 माइनस 1 74,000। अभी फिर से चेक करो, देखो न्यू इक्वेशन भी टैली रहेगा। 49 प्लस 5 कितना होगा, 54। 54 प्लस 36 कितना हो रहा है, 90,000। इसको ऐड करो, ये आ रहा है 90,000 एसेट साइड। देन 16,000 प्लस 74,000 लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल कर रहे हैं, तो ये भी आ रहा है हमारा 90,000। तो अभी भी हमारा क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है। तो ये थोड़े से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट को समझाने के लिए। जब न्यूमेरिकल करेंगे तब फॉर्मेट थोड़ा लगभग इस तरीके का होगा, और भी थोड़ा बड़ा होगा, मतलब ये चीज़ भी हमारा फॉर्मेट के अंदर में आ जाएगा। जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये जो ट्रांजेक्शन बाहर है ये भी तब क्या आएगा, फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन, और इसके बाद इसी तरीके से सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को, ठीक है। तो अभी मैं और थोड़ा सा कुछ ट्रांजेक्शन को लेकर इन जनरल उसमें क्या किया जाता है इसके बारे में बताता हूँ, और प्लीज़ नोट करना कॉपी में, ठीक है, कि क्या चीज़ करने से कैश इंक्रीज होगा, क्या चीज़ करने से कैश डिक्रीज होगा, क्या चीज़ करने से हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा, ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन करने में ईजी हो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँ, ठीक है। नाउ लिखो, नंबर वन मैं एक एक ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, आप लोग उसको लिखना, और उसके साइड में उसका क्या इफेक्ट होगा, कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा एक्चुअली, वो मैं समझाऊंगा, और नोट करके रखना। जब अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब इजी होगा। सबसे पहला, ये तो हम अभी भी कर चुके हैं, कैपिटल ब्रॉट इन, जब कैपिटल लेके आया जाता है बिजनेस में, ठीक है। कैपिटल नंबर वन, कैपिटल ब्रॉट इन, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में ज़्यादातर फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन का फर्स्ट ट्रांजेक्शन ही यही दे दिया जाएगा, कैपिटल ब्रॉट इन। तो जब कैपिटल लेके आया जाता है तो क्या इंक्रीज होता है, कैश, ये होगा इंक्रीज, और कैपिटल ये होगा इंक्रीज। नंबर टू, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी अभी अभी मैंने बताया, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, अगर गुड्स खरीदा है तो क्या इंक्रीज क्या होगा, गुड्स इंक्रीज होगा। गुड्स को हम लोग दूसरे नाम से बुलाएंगे, वो है स्टॉक, ठीक है, स्टॉक इंक्रीज। और दूसरा क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि कैश से खरीद रहे हैं तो कैश क्या होगा, कैश डिक्रीज। देखो कुछ भी, कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो तुमको उसमें ये एनालिसिस करना आना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा आइटम्स है जो इंक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, जो जो इंक्रीज हो रहा है उसमें ऐड करेंगे, जो जो डिक्रीज हो रहा है उसमें माइनस करेंगे। थर्ड वाला वो देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये भी अभी भी बताया मैंने, क्रेडिट मतलब हम लोग बाद में पैसा पेमेंट करेंगे इसको, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसमें क्या क्या बढ़ रहा है, इसमें गुड्स तो बढ़ ही रहे क्योंकि गुड्स परचेज किया है, गुड्स ये क्या होगा, स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज होगा, और क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटीज है, ठीक है, ये कैश एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है, ये भी एसेट है। मैं इजी करने के लिए क्या करता हूँ कि एसेट को मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये अंडरलाइन कर देता हूँ फिलहाल, ये एसेट है, ताकि समझ में आ जाए कि कौन सा एसेट है और कौन सा लाइबिलिटीज कैपिटल है। नंबर फोर, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेस्ड फर्नीचर, मैं यहाँ पे फर्नीचर लिख रहा हूँ ना, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, परचेस्ड कार, परचेस्ड कंप्यूटर, परचेस्ड टेबल, परचेस्ड टाइपराइटर, कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे फर्नीचर लिख रहा हूँ, बट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश।
तो फर्नीचर अगर खरीदा है तो फर्नीचर क्या है, एसेट है। फर्नीचर फर्नीचर इंक्रीज होगा, सर। फर्नीचर इंक्रीज होगा। हाँ सर, हाँ फर्नीचर है ना, वो गुड्स के अंडर में नहीं आएगा क्यों? नहीं, गुड्स अलग, गुड्स तो स्टॉक हो गया जिसको तुम बेचने के लिए खरीद रहे हो, फर्नीचर को तो तुम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो, फर्नीचर ऑफिस में चाहिए तुमको। ये गुड्स अगर बोला है दैट मीन्स मतलब वो सामान खरीद रहे हो जिसको तुमको मैन्युफैक्चर करके आगे बेचना है, या फिर गुड्स खरीद रहे हो उसी को बेचना है आगे। तो गुड्स हमेशा तो अगर स्टॉक में हमको आएगा, फर्नीचर अलग एसेट हो जाएगा। तो मतलब अगर फर्नीचर को अगर बेचना हो तो वो गुड्स में आ जाएगा ना। अगर तुम्हारा फर्नीचर का ही काम धंधा है तब जो कंपनी है उसका फर्नीचर का ही है तब फर्नीचर उसमें स्टॉक में आ जाएगा, अच्छा ठीक है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि फर्नीचर का तो है कंपनी लेकिन वो फर्नीचर वो बेचने के लिए नहीं खरीद रहे अपने ऑफिस के लिए खरीद रहे, तब वो एसेट में आएगा, समझे। हाँ, हाँ सर, क्योंकि फर्नीचर का दुकान में भी फर्नीचर चाहिए होता है बैठने के लिए, कस्टमर्स को बैठाने के लिए, तो वो जब परचेस करते हैं वो फिर एसेट्स में ही रहेगा। नंबर 5, पेड रेंट तो हो गया। अभी मान लो कि परचेस किया है कंप्यूटर, परचेस किया है कंप्यूटर और ऑन क्रेडिट किया है, कैश में नहीं किया है ऑन क्रेडिट किया है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा कंप्यूटर एसेट हो गया है, तो कंप्यूटर में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कंप्यूटर एसेट्स इंक्रीज होगा। एंड क्रेडिट में खरीदा है तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटीज ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जस्ट मैं ट्रांजैक्शन को किस तरह से एनालिसिस करना है वही चीज़ सिखा रहा हूँ। पेड रेंट तो मैंने अभी बता दिया था, मान लो कमीशन रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव करने से क्या होगा, पैसा रिसीव किया है, इसका मतलब कैश इंक्रीज होगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, कैपिटल कैपिटल इंक्रीज इंक्रीज। होगा, ठीक है। ये कैश ऐड, कैश में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये जब हम लोग ऐसा एनालिसिस करके कि इक्वेशन में ऐड माइनस जो भी करना है करेंगे तो अल्टीमेटली देखेंगे कि जो इक्वेशन है वो हर हाल में टैली रह रहा है, ठीक है। नंबर 7, एक और समझा देता हूँ। मान लो गुड्स जो है कितने का है, 50,000 का है, गुड्स 50,000 ये कॉस्ट है, सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचा कितना, 60,000 बेचा। ऑब्वियसली कोई अगर बिजनेस करेगा तो वो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करेगा ना, 50,000 उसका गुड्स का कॉस्ट है, उसने बेचा 60,000 में, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि उसने 50,000 का गुड्स बेच दिया, क्या किया उसने, 50,000 का गुड्स बेच दिया, गुड्स कहाँ रख रहे थे हम लोग, स्टॉक में, तो स्टॉक में से क्या होगा, 50,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसने क्या किया, 60,000 कैश में बेच दिया, यानी कि कैश ऐड होगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय 60,000। अब ये दोनों में एक डिफरेंस है, देखो 50,000 का गुड्स है उसने बेचा 60,000 में, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का आ रहा है, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 10,000 का डिफरेंस एक्चुअली क्या है, इसका प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है उसने खरीदा था 50 और बेचा ज्यादा में, अगर कम में बेचता तो लॉस होता, तो ज्यादा में बेचा, ये कितना हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया इसको। तो प्रॉफिट अगर कुछ होता है तो प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो ये इससे क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा बाय 10,000, कैपिटल में ये 10,000 ऐड होगा, याद रखना, ठीक है। 50,000 माइनस होगा स्टॉक में से, 60,000 ऐड होगा कैश में, क्योंकि कैश में बेचा है, एंड ये 10,000 का जो प्रॉफिट कमाया है इसमें वो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा कैपिटल में, ठीक है। तो इसको रिवाइज करना, मैं देखता हूँ आज अगर एक और बार मैं क्लास करा पाया तो कराऊंगा, अभी 12 के क्लास का टाइम हुआ है, तो एक न्यूमेरिकल भी कराना है तो ये चीज़ और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बहुत ही इजी, सबसे इजी एक्सरसाइज है या इजी चैप्टर है पूरे अकाउंटेंसी में, क्लास 11, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है समझ, ठीक है। तो देखता हूँ क्या